विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में चरण वंदना। क्लास प्लस टू चैप्टर नंबर टू पार्ट सेकंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का आज मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? तो विद शेयर कैपिटल। इस बात का ध्यान रखें, इसको जो है विद शेयर कैपिटल इसके साथ दिखाया जाता है। उसके बाद है, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड अमाउंट, फॉर द बीइंग द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड अमाउंट। तो इस बात का ध्यान रखें कि शेयरों को जब तब किया जाता है कि यदि कोई अंशधारी याचना या किसी भी आवंटन की राशि का अलॉटमेंट की राशि का भुगतान करने में नहीं करता है तो उसके शेयरों को जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद है, एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल इज डेबिटेड। जो शेयर कैपिटल को जो है वो डेबिट किया जाता है विद कॉल्ड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर। ध्यान रखिए इस बात का, जो शेयर को फॉरफिट किया जाता है वो कॉल्ड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर की, जिन शेयरों को आप जब्त कर रहे हैं उनके कॉल्ड अप अमाउंट जितना है उससे उतनी राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। उसके बाद है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ। तो जो आपका शेयर फोर्ट का अमाउंट है वो एक्सीड नहीं किया जा सकता रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर सो फॉर, जब अब तक का जो आपको टोटल अमाउंट मिल चुका है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रुपये में एक शेयर इशू किया और उसके आपको 6 रुपये मिल गए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 6 रुपये दे सकते हैं। उसके बाद है, ऑन डिस्काउंट गिवन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड ऑन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो जो उसको डेबिट किया जाता है डिस्काउंट के अकाउंट को, जो आप जब आप रीइशू करते हैं फॉरफिट अमाउंट को शेयरों को, तो जो उनका डिस्काउंट का अमाउंट है वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डेबिट किया जाता है। उसके बाद है, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। तो इस बात का ध्यान रखें, उसे अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल दिखाया जाता है। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद है, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस बात का ध्यान रखें, जो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस बचता है री इशू करने के बाद, जो एक्चुअल में जब आपने फॉरफिट किया तो आपको प्रॉफिट हुआ था, री इशू करने के बाद आपको लॉस होता है, तो जो प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस होता है वो अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम इज नॉट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज डेबिटेड। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल जिन शेयरों को आपने जब्त किया उनका आपको प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, तो उस कंडीशन में प्रीमियम की राशि को डेबिट किया जाता है उतने अमाउंट से जितना कि आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद है, इफ द एम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो इंक्लूड नहीं किया था वो नहीं किया था फॉरफिटेड शेयर। इक्विटी शेयर को भी किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को भी किया जाता है, बोनस शेयर को भी किया जाता है। जो नहीं शामिल किया जाता है सब्सक्राइब कैपिटल में वो है फॉरफिटेड शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 अगेंस्ट विच 8 पर शेयर कॉल्ड अप द कंपनी एंड रिसीव 6 ऑन इट वाज फॉरफिटेड, देन व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो कॉल्ड अप अमाउंट है आपका 8 रुपए, तो 8 रुपए से जो है वो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। ध्यान रखें इस बात का, चाहे आप जितने मर्जी शेयरों को जब्त करो, जो आपका कॉल्ड अप अमाउंट है उसी राशि से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट से। द कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 रुपए प्रीमियम के साथ एट ₹3 प्रीमियम, एंड होल अमाउंट ऑफ विच वॉज कॉल्ड अप फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2, वट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो कॉल्ड अप अमाउंट आपका बना 10 रुपए, 10 का 10 रुपए जो है आपको कॉल्ड अप था, तो 10 रुपए से जो है आपको शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। इफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹1 प्रीमियम ऑफ ₹9, मतलब प्रीमियम जो है 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड अप एंड 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड अप, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो आप सबको मैंने बताया कि कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा।
₹9 में 1 रुपया प्रीमियम का, तो कॉल्ड अप अमाउंट है ₹8, तो ₹8 से जो है शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ₹8 वॉज रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर ऑफ ₹10 एंड इट वॉज फॉरफिटेड देन इट कैन बी रीइशू एट लिस्ट एट, तो रीइशू किए जाएंगे कम से कम जिसपे आपको ध्यान रखें इस बात का ₹2, क्योंकि ₹8 आपको मिल गए, मैक्सिमम डिस्काउंट आप ₹8 दे सकते हैं, तो ₹2 जो है वो कम से कम आपको उनको रीइशू करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप ₹8 दे सकते हैं। उसके बाद है ₹8 एट कॉल्ड अप ऑन शेयर्स ऑफ ₹10 इच, 3 वाज रिसीव्ड, व्हाट इफ इट वाज फॉरफिटेड, देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो ₹8, तो ₹8 से जो है शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। इफ 7 वाज कॉल्ड अप ऑन द शेयर ऑफ ₹10 इच, 1 शेयर होल्डर पेड 5, देन इट वॉज द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटेड, देन एट द टाइम ऑफ द शेयर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, तो कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो कॉल्ड अप अमाउंट है ₹7, तो ₹7 से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। ए शेयर ऑफ ₹10 वॉज फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3, इट कैन बी रीइशू विद ए मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ ₹1, तो जिसमें आप सभी जानते हैं कि आपको ₹10 में से ₹7 मिल चुके हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हैं ₹7, जितना आपको रिसीव हो चुका है उससे उतना मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच, ऑन विच 400 वॉज पेड, आउट ऑफ दीज 40 शेयर वर रीइशू ऑफ ₹300, वट विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस बात का ध्यान रखें, 60 जो है वो होगा, इसका पार्ट निकालेंगे कि भी 300 शेयर का जो है 100 इक्विटी शेयर में से जो है 40 का कितना आएगा, और उसका उसके हिसाब से निकालेंगे तो 60 आएगा। उसके बाद एक कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 इच, 7 पर शेयर वर कॉल्ड अप, 5 पर शेयर वॉज रिसीव्ड, दीज शेयर वर इशू, 8 पर फुली पेड अप, द अमाउंट विल बी डेबिटेड टू फॉरफिटेड अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू, तो ये आएगा जी आपका 400, 400 अमाउंट जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनली प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, ओनली ओनली बोनस शेयर, या इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज इंक्लूड, इस बात का ध्यान रखें कि शेयर कैपिटल ऑफ द इंक्लूड जो है कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है, वो किया जाता है इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, तो जो फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स है वो किसमें रिडक्शन करता है, पेड अप कैपिटल को क्या करता है, मतलब डिक्रीज करता है, रिडक्शन करता है। उसके बाद है, मोहन होल्डिंग 900 शेयर ऑफ ₹10 ईच, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी 2 पर शेयर्स एंड कॉल ऑफ 4 पर शेयर्स, ही शेयर वर फॉरफिटेड, आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर इशू 7 पर शेयर्स, तो फुली पेड अप, कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें, ये कैपिटल रिजर्व में जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 600, तो 600 जो है वो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा। उसके बाद है, द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी एक्सीड, तो जो आपका अमाउंट फॉरफिटेड जो है अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, तो ये ध्यान रखिए इस बात का, आंसर इसका आंसर आएगा कि जो एक्चुअल में आपको अमाउंट रिसीव होगा उससे ज्यादा आप डिस्काउंट दे नहीं सकते। इफ द शेयर ऑफ विच एन इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ विच 3 पर शेयर विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप एंड 8 हैज बीन इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड ऑन इट, इफ द इज फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। तो मैंने आपको बताया कि कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और ये आपका ₹10 है। उसके बाद है नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम सब्सक्राइब्ड एट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल नॉट बी डेबिटेड व्हेन, कि जब आपको प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हैज बीन ऑलरेडी रिसीव, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर्स विल बी फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास, तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, उस कंडीशन में जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी वो की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।
एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।